तो मैं खा लेती हूं। तो पापा भी है। अब हम तो सब मिलेंगे। जानते हो सर ने बोला कि उत्तरायण यदि डिस्कसिंग लुक टू हैंड जल्द लुक को जल्द जल्द से बचना को क्या कह रहे हो तुम? तुम बच्ची की मां को जानते भी नहीं हो बेटा। बेटा ये थोड़ा लाउड है। टाइम देख रही हो ना? आके आप
सर पकड़ लो मामा। बेटा दोबारा आप लोगों को ये सुनी क्या कह रही है। Thank you.
ये लेके हार जाएंगे तो ट्रैक पे करना है एक्शन बिल्कुल, क्योंकि मैं ये जिम्मेदारी उठाती हूँ कि मैं इसकी माँ को ढूंढूंगी और आज सुबह 12 बजे से पहले तक और नीतू की इंसाफ दिलवाऊंगी, ठीक है। और मैं लेके आती हूँ श्रेया जिसका नाम है, उसको लेके आती हूँ और बोलती हूँ, सबको दिखाती हूँ कि ये है चीकू की माँ। और चीकू भी वो कर देती है, मतलब कि हाँ यही मेरी मम्मा है। और फिर विधान मुकर जाता है, ये तो मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ कौन है। फिर सब लोग पूछते हैं ऐसे कैसे, तो कौन है कौन है। फिर सुरेश आते हैं और बोलते हैं तुम। और शौक लगता है सबको कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और श्रेया बताती है कि यस यू आर हर फादर छोटी बच्ची के, तो बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही इवन सुरेश भी शॉक्ड है क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से वो राम है और मेरे हिसाब से वो राम है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया शादी से पहले, तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया होगा, पर पता नहीं क्या होगा। बेटा एक सबसे बड़ा शौक जो फाल्गुनी को मिला है अभी कि बच्ची की माँ ने कह दिया सुरेश। हाँ, तब तो मतलब जैसे पैरों तले जमीन चली जाती है, इतना विश्वास करती है जो लड़की अपने हस्बैंड पे, और उसको पता है कि वो कितने अच्छे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। सो वो अभी भी कहीं ना कहीं वो यकीन नहीं कर रही है कि ये सच है, उसको लगता है कि ये कोई झूठी लड़की है और ऐसा सच हो नहीं सकता। वैसे फाल्गुनी के जिंदगी में हमेशा उत्तरा देवी ने कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट प्लान किया, तो कहीं ना कहीं ये भी उत्तरा देवी का प्लान हो सकता है। लेकिन अभी फाल्गुनी के दिमाग में उत्तरा देवी बहुत ही अच्छी हैं और उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, ये वो ये वो। और ऑब्वियसली वो भी लड़ रही हैं उसी टाइम पे श्रेया से कि तुम झूठी हो जाओ यहाँ से, तो एक बार भी फाल्गुनी के दिमाग में नहीं आता कि उत्तरा देवी ने कुछ किया है। उसको सिर्फ वो लड़की ही गलत लग रही है और सुरेश को उसे पूरा भरोसा है अभी भी, मतलब
मतलब महान है फाल्गुनी. मुसीबत का हल कैसे निकालेंगे, क्या कुछ प्लानिंग किया है? एक्चुअली मुझे तो पता नहीं, और मैं बहुत ही उदास, मतलब मैं बहुत ही टेंस्ड हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे पता है, मतलब मुझे ऐसा यकीन है कि सुरेश ऐसा नहीं कर सकते, तो अब क्या किया जाए. तो नियति आके मुझे बोलती है कि आप डीएनए टेस्ट करवाओ, तो अभी मैं बहुत होपफुल हूँ हम डीएनए टेस्ट करवाने वाले हैं. ओके, थैंक यू.